सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, होली के कुछ छोटे और चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। और जी वाला जो उपाय है जी, मैंने 3 साल पहले ऑनलाइन माध्यम से कई लोगों को कर दिया था, कराया था। और दूसरे साल के लास्ट तक बहुतों को कार्य में सफलता मिली थी, क्योंकि जी एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए इस उपाय को आप। और होली के दिन ये बहुत अचूक काम करता है, तो बहुत सिंपल उपाय है, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो लाना है वो केसरिया या पीले रंग का सिंदूर लाना है, बढ़िया प्योर, और ठीक है, चमकता हुआ कलर होना चाहिए, गंदा भारी भारी वाला नहीं होना चाहिए, मिट्टी वाला नहीं होना चाहिए, जो हरा रुड़का होता बढ़िया बनता वो वाला गुलाब होना चाहिए, केसरिया या पीला गुलाब। 1 लेना चांदी का सिक्का जो आप पूजा में रखते हो वो भी ले सकते हैं, या फिर चांदी का सिक्का अलग से पड़ा हुआ बोला वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको ले करके आपको एक डिब्बी ले लें, या एक प्लास्टिक का बड़ा डिब्बा भी हो चल सकता है, डिब्बी ना उपलब्ध हो तो आपको छोटी सी, वैसे छोटी सी डिब्बी ले लें जिसमें थोड़ा सा सिंदूर आ जाए और चांदी का सिक्का आ जाए, और उसके ऊपर थोड़े से केसर से रंगे हुए चावल आ जाए, इतना होना चाहिए, 125 ग्राम चावल आ जाए। अब क्या करना है, दीपावली के रात्रि को जिस दिन होली जलने वाली होती है उससे उस दिन की सुबह को आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम श्री कुबेराय नमः एक माला। जिस दिन होली खेली जाती है धूल धुलहड़ी के दिन नहीं करना है, जिस दिन रात को होली जलेगी उस सुबह करना है, उस दिन सुबह कर लेना है। एक माला करने के पश्चात आप डिब्बी में नीचे जो वो बिछाएंगे आप सिंदूर लाए थे हम खेलने के, गुलाल पीला या फिर जो भी गुल मतलब के सिंदूरी कलर का गुलाल लाएंगे वो बिछाएंगे, गुलाल के ऊपर चांदी का सिक्का लगाएंगे, चांदी के सिक्के पर हल्दी से टीका लगाएंगे, जो भी देवता है उसमें लक्ष्मी गणेश चतुर्थ में, नहीं तो सिक्के के ऊपर टीका लगा देना है आपको। टीका लगाने के पश्चात आपको एक माला फिर करनी है दोबारा से, पहले एक माला करनी है फिर दोबारा से करनी है। इस मालाओं को करने से पहले आपको अपने इष्ट देवता, अपने गुरु देवता का ध्यान करना है, अपनी जो कुल देवी हैं उनका ध्यान करना है, याद हो तो, ठीक है ना। और ये उपाय आपको इसके बाद करना है, और करने के बाद आपको एक माला और उसके बाद करने के बाद आपको सिंपल एक डिब्बी को बंद कर देना है, और किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर कोई उसका छिड़ाखानी ना करे, उसको बार बार खोले नहीं, और हर पूर्णिमा को उसको निकालना है, उसको धूप दीप दिखानी है, और फिर उसको यथास्थान उसी जगह पर रख देना है आपको। बहुत चमत्कारी उपाय और प्लस टोटका है ये, और इसको एक तरह से बड़ा प्रयोग ही कहते हैं, मंत्र प्रयोग है क्योंकि ये, और जो मैंने मंत्र आपको बताया है जब भी धूप दीप करो तो उस मंत्र को जाप करते रहो, ओम श्री कुबेराय नमः, ठीक है ना। आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति देखेंगे, और प्रगति भी ऐसी होगी कि आप ये कहेंगे कि जी चमत्कारी प्रभाव है। याद रखिएगा, ये जो आप वो कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह क्यों है मालूम है, ये बहुत समय तक पूरे साल भर आपको फ़ायदा देगा, इसका तात्कालिक लाभ कुछ नहीं होता है, लेकिन बड़े लंबे समय के लिए लाभ होता है। धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आएगा, जीवन शैली बढ़िया होगी आपकी, आपके लाइफ स्टाइल में बढ़ोतरी होगी, उच्च स्तर की होगी। सिक्के के ऊपर चावल डालने ध्यान रखिएगा, भूल गए हो तो, अगर यदि आप बता दूँ दोबारा से, जो चावल हैं केसर के रंग से रंगे हुए, पानी में केसर घोल के उसमें चावल रखने हैं आपको थोड़े से 100-125 ग्राम, फिर उसको ऊपर डिब्बी के ऊपर रखना है। चावल चाहें तो बिल्कुल कम भी ले सकते हैं,
लेकिन उतने तो होने चाहिए कि उसमें 108 दाने चावल के आ जाए। और अब एक चीज़ और महसूस करना, जिस स्थान विशेष पर ये एक चीज़ रखी होगी डिब्बी, और स्थान विशेष पर माता रानी की बहुत विशेष कृपा रहेगी, माता लक्ष्मी की, और बीच बीच में उस स्थान विशेष पर आपको एक विचित्र गंध का अनुभव भी होगा, बहुत प्यारी। ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मैंने 99% लोगों के पास ये चीज़ महसूस की करवाने के बाद इस उपाय को। और ये हो सकता है आपको ना आए लेकिन आपके घर के लोगों को आए। छोटा सा उपाय, बहुत बढ़िया उपाय मैंने आपको बता दिया है, इस उपाय को कर लें आप। एक चीज़ और है इस उपाय की, अगर आप वो बढ़ाना चाहते हैं ताकत को, तो बूंदी का प्रसाद या फिर मिश्री का प्रसाद हर शुक्रवार को या फिर पूर्णिमा के दिन लगा करके माता लक्ष्मी को और बच्चों को बांटते हैं। चमत्कारी प्रभाव उसके बाद देखने लगेंगे आप, और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रभाव उसका। चलिए ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। भगवान माता रानी आपको सबको सुखी रखे, मंगल रखे।